जीएस एक्सक्लूसिव नवगछिया के बिहपुर ग्वारीडी बैयार में हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष। जानकारों का है मानना मध्ययुगीन सभ्यता से भी पुराने हैं अवशेष। रोजमर्रा में उपयोग होने वाले सामग्री सिक्के, हिरण की सींग, ईंट के अलावा कई तरह की सामग्री हुए बरामद। मुख्य संपादक ऋषभ मिश्रा कृष्णा के कलम से। नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत जयरामपुर गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोसी तटी ग्वारीडी बाजार में मध्ययुगीन सभ्यता से ही पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पुराने अवशेषों से इलाके में कौतूहल का विषय है। अब तक मिले अवशेषों को जयरामपुर गांव के ग्रामीण अविनाश कुमार चौधरी ने सहेज कर रखा है। मिले अवशेषों के मद्देनजर ग्रामीणों ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि वे लोग इसकी सूचना सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी को देंगे और वे लोग खुद भी उक्त स्थल पर जाकर खुदाई करेंगे। पुराने अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण एक सिक्का है जो कि आयताकार है। इस सिक्के पर एक घोड़े पर एक योद्धा को दिखाया गया है जो पूरी तरह से राजशाही परिधान में है। सिक्के का धातु तांबे का है। ग्रामीणों ने बताया कि एक घड़े में बंद 100 से अधिक सिक्के उक्त स्थल से मिले हैं, लेकिन जिन लोगों को वह सिक्का मिला उन लोगों ने उसे दबा दिया। अविनाश कुमार चौधरी के पास फिलहाल एक सिक्का मौजूद है। बरामद अन्य सामग्रियों में मिट्टी का चूल्हा, मसाला पीसने के उपयोग में आने वाला पत्थर का सिल्ला लोढ़ी, मिट्टी के कई तरह के बर्तन, पत्थर के कई तरह के सामान, लगभग 10 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा ईंट, मिट्टी का चूल्हा और कोयला इत्यादि सामान भी बरामद हुए हैं। जयरामपुर गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि बरामद सामान कम से कम 3 से 4 हजार वर्ष पुराना है। ग्रामीण इसके पीछे तर्क देते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि जयरामपुर गांव का अस्तित्व करीब 2000 साल पुराना है, लेकिन 2000 वर्षों से यह सभ्यता मिट्टी के अंदर में दबी है और किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। इस हिसाब से उक्त जगह पर जब कभी सभ्यता रही होगी तो वह समय 3 से 4 हजार वर्ष पुराना होगा। अवशेषों को संरक्षित कर खुदाई करने की इच्छा रखने वाले ग्रामीण अविनाश कुमार चौधरी ने कहा कि पहले भी उक्त स्थल पर कई तरह की सामग्री लोगों को मिलते रहे हैं। 2 दिन पहले जब वो अपने खेत पर गए थे तो उन्होंने देखा कि कोसी नदी के कटाव में ग्वारीडी का टीला कट रहा था और उससे कई तरह की सामग्री नदी में जल विलीन होने के कगार पर थी। उन्होंने सभी सामग्रियों को बारीकी से एकत्रित किया और उसे लेकर घर चले आए। अविनाश कुमार कहते हैं कि ग्वारीडी का टीला एक बड़े भूभाग में फैला था, लेकिन कोसी कटाव में अब यह महज 4 एकड़ का रह गया है। इतने भूभाग में अभी भी जंगल है और विगत वर्ष में भी कई कुएं के कोसी द्वारा कटाव हो जाने के बाद घटना सामने आई है। अविनाश का कहना है कि वह पुरातत्व में दिलचस्पी रखते हैं और उनके हिसाब से उक्त जगह की सभ्यता कम से कम 4000 वर्ष पुरानी है। बताते चलें कि जयरामपुर गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि करीब 50 वर्ष पहले कई बार सरकार ने ग्वारीडी की खुदाई करने का मन बनाया। स्थल पर पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुंची, लेकिन ग्वारीडी पर पूरी तरह से जंगल था और वहां एक कामा देवी का मंदिर हुआ करता था। लोगों की मान्यता थी कि कामा देवी ही गांव की देवी है और वह गांव की रक्षा करती हैं, इसलिए किसी भी सूरत में लोग जंगल को हटाने को तैयार नहीं थे। चूंकि ग्वारीडी की जमीन खतियान निजी जमीन है, इसी कारण ग्रामीण पुरातत्व विभाग की टीम को बेरंग लौटा देते थे। पिछले दिनों कामा देवी का मंदिर कोसी कटाव में जल विलीन हो गया, तब जाकर ग्रामीणों ने जंगल को काटना शुरू किया है। दूसरी तरफ ग्वारीडी कोसी कटाव के एकदम मुहाने पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों की इच्छा है कि एक बार सरकार पुरातत्व विभाग के द्वारा उक्त स्थल की सघन खुदाई करें, जिससे उक्त सभ्यता का रहस्योद्घाटन हो सके। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का स्थान।
भागलपुर, नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक, नौगछिया, NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने, मकनपुर चौक, नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर, हरनाचक, नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर, हरनाचक, नवगछिया।